हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो मल्टी स्टेप विद लेज़र, और ये हम किस तरह से करेंगे आप फेस हेयर को देख ही सकते हैं कि कितना अच्छे से कट हो रखा है और कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो आप बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कटिंग किस तरह से करनी है आपको और किस तरह से आप सीख पाएंगे। तो चलिएगा, चलते हैं। तो इनके ये हेयर थे और काफ़ी लॉन्ग हेयर थे, और लॉन्ग मैंने ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करे, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमें इन्हें थोड़ा गीला करना ज़रूरी होता है, तो आप स्प्रे से उन्हें थोड़ा गीला कर लें। और इनके वाइट हेयर थे ही, तो हमें निकालना होगा टॉप टू ईयर। और टॉप टू ईयर मैंने जैसे कि पहले बताया है आपको, आप हेयर स्टाइलिंग करें जो भी करें, आपको टॉप टू ईयर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने मिड से एक पार्ट लिया है बॉब सेक्शन, और बॉब सेक्शन लेके और उसे हमने ऊपर लेके, आपको फर्स्ट यहीं से हमें कट का देखना है कि कितना कट लेना है। तो देखिएगा, मेरे को जितना निकालना था उनसे, क्लाइंट से मैंने पहले ही पूछ लिया था कि कितना कट लेना है। तो जो अब हमारी गाइड लाइन है वो ऊपर वाले कट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो कुछ अलग तरीके से थी और मल्टी स्टेप की, और ये मैं कुछ अलग तरीके से काट रही हूँ। तो आप दोनों तरीके को देख लीजिएगा किस तरह से आपको कट देना है। तो देखिएगा, जो गाइडलाइन हमें तैयार कर ली थी, आप थोड़े से सेक्शन क्राउन सेक्शन में और लेने के बाद में, और आप देख सकते हैं जो भी गाइडलाइन आप आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही हेयर को कट करते जाएं। ठीक है, आप इस तरह से ही आप अपने, देखिएगा जिस तरह से मैं सेक्शन ले रही हूँ, आपको इस तरह से सेक्शन लेना है, और आपको गाइडलाइन से ही अपने हेयर को 90 डिग्री पर ले जाके ही हेयर को कट देना है। सारे हेयर्स को आपको 90 डिग्री पर ही ले जाना है। देख सकते हैं आप, जो मेरी गाइडलाइन थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही कट करा है, और मेरे को हेयर में ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए था उन्हें, पर हेयर ज़्यादा ना कटे इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं दिया था। अब हम सारे हेयर्स को एक साथ ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ लेकर जाएंगे 90 डिग्री में, और अच्छे से आप कॉम करके फ्रेश कर लें हेयर को, कि अंदर कोई हेयर्स ना बचे, क्योंकि अगर अंदर कोई हेयर रहेगा तो फिर कटना वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से कॉम करना बहुत ज़रूरी होता है उन्हें टॉप 90 डिग्री पर ले जाने के बाद में, और आप फिर से देखेंगे कि कितना हेयर्स आपके निकलने हैं, और मैं ये हेयर्स पूरे काट दूँगी। और आप इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आने वाला है हेयर्स में, और आप इजीली हेयर कट सीख सकते हैं। तो देखिएगा, ये मेरा बैक का कट हो चुका है, और आप सीज़र से थोड़ा सा इस तरह से हेयर्स में कट ज़रूर दें, जिससे कि कट का और फिनिशिंग आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि कट प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट हमने देखो गाइडलाइन आपको बताई दिया कि गाइडलाइन आपको किस तरह करानी है, और आप ये क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि आपको कितना हेयर उनका निकालना है, कितनी लेंथ कम करनी है। देखिएगा, अब ये हमने जो बॉब सेक्शन है वो लिया है हमने आईब्रो की आर्ट से, और गाइडलाइन के लिए हम बैक से हेयर ले रहे हैं गाइडलाइन के लिए, कि आप किसके अकॉर्डिंग आपको हेयर कट देना है, तो आपको गाइडलाइन लेनी बहुत ज़रूरी होगी। तो इसीलिए हमने बॉब सेक्शन लेने के बाद में और गाइडलाइन हमने ले लिया, फिंगर में दबाने के बाद में आप देख सकते हैं कि इतने एक्स्ट्रा हेयर थे तो हमने वो निकाल दिए। ठीक है, ये आप इस तरह से ही कट देंगे। अब बचे हमारे ईयर टू ईयर पार्ट में जो साइड के हेयर्स थे वो, अब हम गाइडलाइन जो लेंगे, जो हमने बॉब सेक्शन के हेयर्स काटे थे उसी से ही हम अपने हेयर्स को ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, वो हमारी गाइडलाइन होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप कट कर देंगे। ये मैं देखिएगा 90 डिग्री में ही ले जाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे, और आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। सारा जो मेन फोकस आपको रखना है वो गाइडलाइन पे ही रखना है, आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट आपको जो भी हेयर में कट देना है, जितना देना है वो देख लें, उसके बाद ही वो ही आपकी गाइडलाइन प्रॉपर हेयर कट के लिए रहेगी। आगे भी आप लोगों के लिए मैं कट लेकर आती रहूँगी। जो भी आपको कट की वीडियो चाहिए, कि डायमंड कट चाहिए, फैदर कट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कट चाहिए। अब देखिएगा, मैं इन्हें लेज़र कट दे रही हूँ, और मैंने दो ट्रिक से इन्हें लेज़र कट दे रही हूँ। ठीक है, एक हैंड पे हमें किस तरह से देना है वो दे रही हूँ। आप जो भी हमारे टॉप टू ईयर के हेयर्स थे उन्हें हम फ्रंट की साइड लेकर आएंगे, और जो हमने जो हाथ पकड़ा है ना, वो आप देखेंगे कनकी उंगली से जो फिंगर से ऊपर हेयर जा रहे हैं वहाँ से सीधे आपको कट देना है। ठीक है, एक साइड हमने अलग टेक्निक से बताया और सेकंड हैंड में हमने अलग टेक्निक से बता रही हूँ मैं। तो फेस आपको उनका इक्वल रखना है और अच्छे से इक्वल रखना है। देखिएगा, गाइडलाइन हमने देख ली। गाइडलाइन गाइस, मैं जैसे बता रही हूँ, हर कटिंग के लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे हेयर्स को हम फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं जाएंगे, प्रॉपर हमें फ्रंट की तरफ आना होगा, और आप इस तरह से रेज़र कट की तरह आप उसे देते जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा हमारा कट आ गया है, और आप देख सकते हैं, आपको नीचे से भी देखना ज़रूरी होगा
कि दोनों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि इधर के थोड़े से लॉन्ग हैं, तो देखिएगा हम मैंने थोड़ा सा कट और दे दिया है और अच्छे से उनका कट जो है वो अच्छे से दिखाई दे रहा था और प्रॉपर दिखाई दे रहा। तो आप इस तरह से ही लेज़र और कट दे सकते हैं आप। अब आया हमारा मिड का, सॉरी फ्रंट का, हमें रेज़र कट देना था। तो इन्हें दोनों साइड अपने जो फ्लिप्स थे दोनों साइड निकालने थे, तो मैं दोनों साइड की तरह से ही कट दे रही हूँ। तो आप बीच का पार्ट देख लें कि प्रॉपर निकला है या नहीं निकला है, आप प्रॉपर निकाल लें। और उसके बाद में मैं आपको वी सेक्शन बता रही हूँ। वी सेक्शन आपको थ्रेड से जो है वो वी सेक्शन लेना है और आपको इस तरह से कट देना है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कट आ रहा है इनका। और जिस तरह से आपने इधर साइड का दिया है, उधर इधर साइड का भी आपको वैसे ही देना है। तो आप इस तरह से पकड़ें और वी सेक्शन को, और अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना कट दे दें। देख सकते हैं आप कि उनका कितना अच्छा लग रहा है। अब पीछे के बैक के बाल सारे कॉम से करने के बाद में आपको वी शेप में अपना कट देना है। जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं आते हैं, थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा आते हैं, उन्हें आप सीज़र से या जो भी कट एक्स्ट्रा है वो आप निकाल दें, तो वो प्रॉपर कट दिखाई दे जाएगा। तो गाइज देखिएगा कि उनका वी सेक्शन, वी शेप बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से ही, और क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि उन्हें लेंथ कितनी चाहिए। गाइस बिना पूछे आप कट ना करें। और देखिएगा मैं एक और ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। मैं बहुत सारी ट्रिक बताई हैं कि जब आप प्रेसिंग से लेकर जाएं ना, तो ऊपर की साइड लेकर आएंगे तो वॉल्यूम देखो बढ़ेगा। अब मैंने प्रेसिंग को ऊपर की साइड लेकर हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि उनके हेयर्स में वॉल्यूम बढ़ गया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि कट उनका किस तरह का लग रहा है। आप देखिएगा बैक में हमें, मैं ब्लू ड्रायर नहीं कर रही हूँ और हल्का सा मुझे ड्रायर करना है, और ड्रायर से ही देखिएगा मेरा अच्छे से मतलब दिखाई दे जाएगा। जो भी कट है वो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि। तो सारे हेयर्स को आपको टॉप में लेके जाना है, और टॉप में ले जाने के बाद में आपको हल्का सा राउंड करके, देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप उसी तरीके से राउंड करें। देखिएगा इस तरह से आपको राउंड करने हैं। ये टेक्निक आप करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। और ज़्यादा हीट वाले पे नहीं लगाएं, कम हीट वाले पे लगाएं, और ड्रायर से आप हीट दे दें उसी वे में जिस जरे में आपने वो फोल्ड कराए, ठीक है। और इस तरह फोल्ड करने के बाद में जब आप नीचे की तरफ हेयर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वाव वाली फीलिंग आएगी, कट कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ब्लू ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जल्दी है कि आपको क्लाइंट जल्दी करना है और बहुत भीड़ लगी हुई है, तो आप इस तरह से भी देखिएगा कर सकते हैं। और आप नीचे की साइड जब आए तो देखिएगा कितना खूबसूरत कट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कट आ रहा है उनका। तो ये मल्टी स्टेप विद लेज़र है और आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी को भी कट दे सकते हैं। गाइस अगर आप लोग के लिए वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहें गाइस। और आपने बैक का तो लुक देख ही लिया, आप फ्रंट का भी लुक देखिएगा कि किस तरह से लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।